दोस्तों एक ऐसी शख्सियत जो कि मुंबई में अपने खाली हाथों के साथ कदम रखते हैं, वो भी एक ऐसी कूलर रिपेयर करने वाले साधारण व्यक्ति के साथ, और किस तरीके से वो राज करते हैं साउथ इंडस्ट्रीज में, बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में और हॉलीवुड इंडस्ट्रीज में, और अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं और पूरी दुनिया के बेहतरीन एक्टर में से अपना नाम बेशुमार करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आज इरफान खान सर के बारे में, जो आज हमारे बीच ना होते हुए भी हमारे दिलों में जिंदा हैं। और आज बात करेंगे कि उनके फिल्मों का सफर किस तरीके का रहा, और आप भी मेरी तरह इरफान सर के फैन हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट बॉक्स में उनकी फेवरेट मूवी का नाम भी कमेंट जरूर करना। दोस्तों इरफान खान सर 54 साल के उम्र में ही बहुत ही जल्दी हम सभी को अलविदा कह गए, जिनका प्रोफेशन था आला एक्टर, एक बहुत ही बड़े फिल्म प्रोड्यूसर, साथ ही साथ एक ग्रेटेस्ट एंड इंस्पिरेशनल कैरेक्टर, साथ ही साथ एक बहुत ही बेहतरीन प्लेयर। और क्या आपको पता है इरफान सर साउथ इंडस्ट्रीज में, बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में और हॉलीवुड इंडस्ट्रीज में पूरे इंडिया का नाम रोशन किया और हिंदुस्तान फिल्म इंडस्ट्रीज को एक अलग पहचान दिलाई। और अगर बात करें उनके फिल्मों के सफर के बारे में, तो उनकी पहली मूवी थी सलाम बम्बई, 1988 में ये मूवी आई थी, और अब तक वो 58 फिल्मों में काम कर चुके थे। और अगर बात करें उनके फ्लॉप मूवीज की, तो उन्होंने 15 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप दिए। साथ ही साथ अगर बात करें सुपरहिट फिल्मों की, तो 5 सुपरहिट फिल्में उन्होंने अपने नाम किए हैं। और अगर ब्लॉकबस्टर मूवीज की बात हो, तो ऑल टाइम 2 से भी ज्यादा फिल्में ब्लॉकबस्टर बॉक्स ऑफिस पर साबित रही। अगर बात करें एक मूवी के लिए चार्ज का, तो एक फिल्म बनाने के लिए इरफान खान सर 15 से 20 करोड़ रुपए लिया करते थे। और अगर बात करें उनके नेटवर्थ का, तो उनका नेटवर्थ 50 मिलियन से भी ज्यादा था, यानी कि रुपीज में कहें तो 321 करोड़ से भी ज्यादा। और साथ ही साथ फैन फॉलोइंग उनकी पूरे दुनिया भर में 10 करोड़ से भी ज्यादा चाहने वाले मौजूद हैं, और अब वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके फिल्में, उनकी अदाएं, उनके अल्फाज हमेशा के लिए हमारे साथ रहेंगे। और आज वो जहां कहीं क्यों ना हो, वो खुश रहें, यही हम सबकी मनोकामनाएं हैं। तो और अगर बात करें उनके बेहतरीन फिल्मों का, मेरी बेहतरीन फिल्में थी इरफान खान सर की लाइफ ऑफ पाई और अंग्रेजी मीडियम, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और आपकी फेवरेट मूवी इरफान खान सर की कौन सी थी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय।